नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है भोपाल से, जहां पर कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता पर साधा निशाना। कहा कि सस्ती लोकप्रियता के चलते उमाशंकर गुप्ता कर रहे हैं ऐसा काम। यदि उमाशंकर गुप्ता को अपना नाम छपवाने का इतना ही शौक है तो कोरोना से हुई मौतों पर सर्टिफिकेट में शिवराज सिंह चौहान के साथ अपना भी फोटो लगवाएं उमाशंकर गुप्ता। के मिश्रा ने कहा, अभी उमाशंकर गुप्ता किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं है, वह हारे हुए नेता हैं और पूर्व मंत्री हैं। राजनीतिक दबाव बना के लोकार्पण पट्टिका पर अपना नाम डलवा कर फीवर क्लिनिक का लोकार्पण किया उमाशंकर गुप्ता ने। विगत दिनों मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों के साथ हॉस्पिटल का लोकार्पण किया था, पर कारजू हॉस्पिटल के प्रशासन ने उमाशंकर गुप्ता के दबाव में पट्टिका ही बदल दी। उमाशंकर गुप्ता लोकार्पण में आमंत्रित नहीं किया था, उसी की खींच निकालने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का अपमान किया। उनके द्वारा लोकार्पित पट्टिका हटवा कर अपना नाम जुड़वा कर पट्टिका लगवाई है। गुप्ता जी आप जनता के द्वारा नकारे हुए नेता है। भोपाल से संवाददाता सहूद सिद्दीकी की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी जनहित से जुड़े मुद्दों और विकास कार्यों के लिए किस तरह दोहरा आचरण अपनाती है वह काटजू अस्पताल के शुभारंभ से प्रदर्शित हो रहा है। जब मुख्यमंत्री जी ने उसका उद्घाटन कर दिया था तो उसके बाद पराजित प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी के थे, पूर्व मंत्री माननीय उमाशंकर गुप्ता जी, उनको उस उद्घाटन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? उससे भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा प्रदर्शित होती है और वो श्रेय लेने की लड़ाई दिल्ली से चल रही है। जो प्रधानमंत्री जी वैक्सीन के प्रमाण पत्र में अपना फोटो छपवा रहे हैं कि वैक्सीन प्रधानमंत्री जी की ओर से लग रही है, तो जब उच्च पदों पर स्थापित लोग ही सस्ती लोकप्रियता अपनाएंगे तो मैं सोचता हूँ उमाशंकर गुप्ता जी भी उसका अनुसरण करेंगे ही। मेरी तो उमाशंकर जी से प्रार्थना है कि वे यदि अपने नेताओं का अनुसरण कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा में शामिल हैं श्रेय लेने की, तो वे अपने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को सलाह दें कि जिस तरह, चाहे वो वैक्सीन का मामला हो या काटजू अस्पताल के उद्घाटन का मामला हो, श्रेय लेने में पीछे नहीं हट रहे हैं। वे कोरोना से हुई मौत के प्रमाण पत्र में भी अपने फोटो लगवाएं तो बेहतर होगा। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।